हम शियान अली अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो गिरियाजारी करते हैं, आप ये देखें कि आपको अगर किसी के करीब होना हो ना, आपको किसी के साथ अटैच्ड होना हो, तो आप उसके बच्चे के साथ प्यार करना शुरू कर देते हैं। आजमा लें, आप उनके बच्चों के लिए गिफ्ट देंगे, उनको प्यार करेंगे, तो आपको उस शख्स से करीब होने के लिए खुद उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बच्चों के साथ अटैचमेंट ही आपको उससे करीब करते हैं। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को, उनकी आल को, उनकी औलाद को किस तरह बेदर धरती से जालिमाना तरीके से शहीद कर दिया गया, उनको दुख नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि औलाद को तकलीफ़ हो और माँ बाप को दुख ना हो? वो बेशक नूर इलाही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इंसानी जिस्म में इस दुनिया में भेजा और उनको उस कैटेगरीज में रखा। हम ये कहते हैं ना कि हमारा उनसे क्या मुकाबला, अगर वो हमारे लिए एक मिसाल हो, एक हमारे लिए रखती गई कि हमने उसको फॉलो करना है, वो हमारे लिए एक मॉडल हैं, तो हम ये कहें कि जी वो तो नूर हैं, तो उनका और हमारा क्या मुकाबला? ये बात सच है कि वो नूर इलाही है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब उनको इस दुनिया में भेजा तो उस कैटेगरीज में ही उनको रखा। उनको भी औलाद की मोहब्बत थी, उनको भी दर्द होता था, उनको भी काटें तो उनका भी खून निकलता है, उनको भी सेम उसी तरह के सिचुएशंस थी, उनको भी भूख लगती थी, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी तकलीफ़ महसूस होती है, तो औलाद का भी दुख है उनको। मेरी दुआ है कि तमाम मोमिनीन मोमिनात को अल्लाह ग़म हुसैन अलैहिस्सलाम अता फरमाए और ग़म हुसैन अलैहिस्सलाम के सिवा कोई गम अता ना फरमाए। इल्तिमास ये दुआ हूँ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कर दिया कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरजहु या अली मदद।